महाराष्ट्र में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के हाथ से सत्ता भले ही चली गई हो, लेकिन उनके तेवर अब भी बरकरार हैं। उद्धव ठाकरे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर पलटवार करते हुए कहा है कि भाजपा ने जो लड़ाई शुरू की है उसे शिवसेना जरूर खत्म करेगी। दरअसल हुआ ये कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 5 सितंबर को मुंबई पहुंचे थे। मुंबई में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे को राजनीतिक और वैचारिक विश्वासघात करने वाला बताया था। पार्टी कार्यकर्ताओं से अमित शाह ने कहा था कि उद्धव ने बाला साहब ठाकरे की विचारधारा, हिंदुत्व, पीएम मोदी, देवेंद्र फडणवीस और उन वोटर्स को धोखा दिया जिन्होंने 2019 के चुनाव में बीजेपी शिवसेना गठबंधन को वोट किया था। अमित शाह ने उद्धव पर निशाना साधते हुए कहा कि राजनीति में अपमान सहा जा सकता है लेकिन विश्वासघात नहीं। ऐसे में विश्वासघाती को सजा जरूर मिलनी चाहिए। उद्धव ठाकरे ने न सिर्फ बीजेपी को धोखा दिया था बल्कि विचारधारा को भी धोखा दिया। इसके साथ ही महाराष्ट्र की जनादेश का भी अपमान किया। अमित शाह यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के छोटे होने के कारण उद्धव को सत्ता का लालच है। राजनीति में जो भी लोग धोखा देते हैं उन्हें सजा देनी ही चाहिए। अपनी मुंबई यात्रा के दौरान अमित शाह ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ गणपति पूजा में भी हिस्सा लिया। अमित शाह के बयान के बाद उद्धव भी कहां चुप रहने वाले थे। उद्धव ठाकरे ने अपने घर पर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अमित शाह पर टिप्पणी करते हुए कहा कि मुंबई में हमने मंगल मूर्ति और अमंगल मूर्ति दोनों को देखा, अब गणपति पंडाल में भी राजनीति होने लगी है। जहां गणपति मौजूद हों वहां अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि उद्धव ने गणपति को मंगल मूर्ति और अमित शाह को अमंगल मूर्ति कहा। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने आगे कहा कि अमित शाह हमें जमीन पर लाना चाहते हैं तो पहले वे हमें जमीन पर ले आएं। आगे की बात इसके बाद करेंगे, लेकिन ये साफ है कि जंग अब शुरू हो गई है और शिवसेना इसको खत्म करेगी। शिवसेना प्रमुख ने कहा कि भरोसा खरीदा नहीं जा सकता, चाहे कोई कितनी भी कीमत दे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैंने पहले ही कह दिया था कि दरवाजा खुला है, तभी रुके जब आप निष्ठावान हो, वरना आप कहीं और जा सकते हैं। अपने घर पर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उद्धव ने कहा कि अब हमारे साथ सिर्फ निष्ठावान शिवसैनिक ही बचे हैं। महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन के बाद अब उद्धव ठाकरे और भाजपा शिंदे गुट के बीच बड़ा मुकाबला नगरपालिका चुनावों में देखने को मिलेगा। भाजपा शिवसेना के शिंदे गुट के साथ मिलकर ही बीएमसी चुनाव लड़ेगी। इस चुनाव में उद्धव ठाकरे वाले शिवसेना गुट को हराने के लिए 150 सीटें जीतने के लिए भाजपा ने पूरी ताकत लगा रखी है। वहीं उद्धव ठाकरे भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। उद्धव ठाकरे ने पार्टी के पुनर्निर्माण के लिए बुधवार 7 सितंबर को सभी विभाग प्रमुखों की एक बैठक बुलाई है।